Let's improve English. Why should I watch this video? If you're wondering, then let me explain this to you in simple lines why you should watch this video instead of giving a long introduction, probably boring. You should watch this video because you'll learn useful phrases and words in daily life sentences. You'll practice well by trying to translate the sentences that I mention in Hindi. You'll learn how to say certain things in multiple ways. You'll have a great listening practice as you watch the video. मैं मानकर चलता हूँ कि तुम 9 बजे आ जाओगे हम ऐसे कहते हैं ना कभी कभी मैं तो ये मानकर चल रहा हूँ मैं तो ये मान रहा हूँ इसे इंग्लिश में कह सकते हैं आई प्रज्यूम यू विल कम एट नाइन ओ क्लॉक आई प्रज्यूम यू विल कम एट नाइन ओ क्लॉक प्रज्यूम कर लेने का मतलब मान कर चलना मैं तो ये मान कर चल रहा था कि वो मेरा दोस्त है आई प्रज्यूम्ड हिम टू बी माई फ्रेंड तो प्रेज्यूम को इस तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं आई प्रज्यूम्ड हेम टू बी माई फ्रेंड इट मीन आई थॉट ही वॉज माई फ्रेंड ही टर्न आउट टू बी समिंग एल्स आपने मेरी हिम्मत नहीं टूटने दी इसे इंग्लिश में कह सकते हैं यू यू लेट लेट मी मी लूज लूज करेज करेज फ्रेंड्स काफी लोगों को लगता है कि एल ओ एस ई लॉस होता होगा लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन लूज होता है लॉस नहीं लॉस तो एल ओ डबल एस होता है जिसका मतलब होता है नुकसान लॉस इसका मतलब तो लूज है इसको हम लूज कहते हैं मैं किसी भी कीमत पे उसकी हिम्मत नहीं टूटने दूंगा आई वॉन्ट लेट हिम लूज करेज एट एनी कॉस्ट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज तुझसे कहीं ज्यादा भूख मुझे लगी है जब हमें अपने आप को इस तरह किसी और से कंपेयर करना होता है हम बोलते हैं कहीं ज्यादा हम कह सकते हैं आई एम फार मोर हंग्री देन यू आर आई एम फार मोर हंग्री देन यू आर शॉर्ट में हम यू तक भी छोड़ सकते हैं आई एम फार मोर हंग्री देन यू और देन यू आर फार मोर हंग्री कहीं ज्यादा हंग्री हूं मैं

कोई बहुत जिद कर रहा होता है हम बोलते हैं मत करो ऐसा मत करो अपनी चला के ही मानता है हम कह रहे हैं बस चला ली अपनी पड़ गई शांति यू हैड योर वे आई यू रिलीव नाउ आई यू हैप्पी नाउ यू हैड योर वे हैव योर ओन वे मतलब वही करना जो मन करे अपने मन की चलाना वो अपनी चलाए बिना मानता ही नहीं है ही हैज हिज ओन वे एट एनी कॉस्ट ही हैज हिज ओन वे एट एनी कॉस्ट ये ओन ऑप्शनल होता है ऑन को हम नहीं भी यूज करें तो चलेगा ही हैज इज वे एट एनी कॉस्ट या फिर ही ऑलवेज हैज ओन वे एट एनी कॉस्ट मुझे चाय में बिस्किट डुबो डुबो के खाना पसंद है इंग्लिश में कह सकते हैं आई लाइक टू डिप बिस्किट इन टी बिफोर इनिंग दैम उनको डिप करना पसंद है टी में लेकिन क्या आपको पता है कि किसी खाने की चीज को जब किसी चीज में डुबो कर खाते हैं तो उसके लिए एक अलग से हमारे पास वर्ड होता है इंग्लिश में और वो है डंक आई लाइक टू डंक बिस्किट इन टी

वॉन्ट बी एबल टू लेर ऑन एम तूने यहाँ रहकर आखिर क्या उखाड़ लिया जब इस सेंस में हम किसी को कहते हैं कि क्या पा लिया क्या हो गया अब अब तूने क्या कर लिया क्या उखाड़ लिया वॉट ऑनर्स है हम इस तरह से यूज कर सकते है आखिर क्या वॉट ऑनर्स वॉट इन दर्ल्ड हैव यू अचीव बाय स्टेग हेयर अचीव की जगह पे वॉट ऑनर्स है किसी चीज को पुल ऑफ करना मतलब कि कुछ कर देना कुछ अचीव कर लेना किसी काम में कामयाब हो जाना अकम्प्लिश कर लेना वो मुझे चिड़ा चिड़ा के हंस रहा है तो कभी क्या होता है कि कोई हमको चिड़ाता है और हंसता है वो जो हंसी जिससे हमें गुस्सा आता है बहुत चिड़ाता है वो हमें उसको स्मर्क करना कहते हैं ही इज स्मर्किंग ही इज स्मर्किंग तुम किसे चिड़ा चिड़ा के हंस रहे होम आर यू स्मर्किंग एट होम आर यू स्मर्किंग एट मैं तेरी सारी करतूतों को जानता हूँ सब जानता हूँ क्या क्या किया है आई नो ऑल ऑल योर मिस तुम्हें मेरी करतूतों के बारे में पता कैसे लगा हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट माई रॉन्ग डूंगाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट माई मिस डीड्स और रॉन्ग डूंग्स फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई है इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सो so फ्रेंड्स बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना टेक केयर एंड बाय बाय